हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फूड कार्ट। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे केले और आलू के समोसे। तो ये कच्चे केले के समोसे हैं बेसिकली, तो इसलिए हम इसमें आलू कम और केले ज़्यादा रखेंगे। तो मैंने यहाँ लिए हैं 3 कच्चे केले और 1 आलू। हम इसे प्रेशर कुकर में पानी डालकर 2 सीटी आने तक उबाल लेते हैं। आलू और केले उबल चुके हैं, ठंडे हो गए हैं। अब मैंने छील लेती हूँ। अब आलू और केले मैंने छील लिए हैं। अब इन्हें इस तरह से तोड़ते हुए मसल लूँगी मैं। केले और आलू हमने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें सारे सामान समोसे में जब हम तो तेल में फ्राई नहीं करते जो चीज़ें, वो चीज़ें मैं इसमें मिक्स करके आपको बताती हूँ। ऊपर से मैंने इसमें डाली आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच चाट मसाला पाउडर और आधी चम्मच अमचूर पाउडर, और साथ में डालेंगे हम आधी चम्मच गरम मसाला। बाकी की चीज़ें हम फ्राई करते समय तेल में डालेंगे, इसलिए इसे अब हम एक साइड कर देते हैं। और इसे फ्राई कैसे करेंगे ये देखते हैं। मैंने इस चम्मच से, आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही तेल लिया है। बहुत ज़्यादा तेल हमें समोसे के लिए नहीं चाहिए, इसलिए एक चम्मच पूरा भर के नहीं लिया है मैंने। अब तेल को गरम होने देंगे। देखिए तेल गरम हो गया। तेल में हम डालेंगे राई और डालेंगे 1 कटी हुई प्याज। अब हम आंच सिम कर देंगे और डालेंगे 2 हरी मिर्च। हम हल्का फ्राई होने तक के लिए छोड़ देंगे और धीमी आंच पे ही इन्हें तलने देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ खड़ा धनिया और सौंफ, ये 1-1 चम्मच हैं, दोनों डाल दूंगी। ये हमने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डाली कि ये जल जाते, इसलिए हम इसे थोड़ी देर बाद ही डालते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कद्दूकस किया हुआ अदरक, प्याज मिर्च देखिए ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। नमक मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच और बिल्कुल थोड़ा सा, और आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मैं आलू जो हमने रेडी करके रखे हैं सारे मसाले डाल के वो डालूँगी, और केले मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह। देखिए सारा मसाला इसमें ऊपर से है, तेल में डाल के हमें कुछ नहीं भूनना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मसाला बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस बंद करूंगी और मिलाऊंगी इसमें धनिया। अब हम इस मसाले को थोड़ा ठंडा होने देंगे, जब तक हम समोसे के कवर के लिए आटा तैयार करेंगे, क्योंकि ये गरम गरम हाथ में लगेगा, इसलिए इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं हम। मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है समोसे के कवर के लिए। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक करीबन 1 चम्मच, और इसमें डालेंगे हम मोयन। मोयन हमेशा तेल को गरम करके फिर ठंडा कर लें, उसके बाद ही मिलाएं, इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है, तेल का कच्चापन भी निकल जाता है। अब हम मोयन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मोयन हमें कितना मिलाना है ये पता करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा करके मिला सकते हैं, और फिर इस तरह उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब ये सारा मिक्स हो जाएगा तो ऐसे मुट्ठी बनाकर देखेंगे। अब अगर मुट्ठी टूट रही है हमारी तो मतलब अभी मोयन कम है, और अगर प्रॉपर ये बैटर की मुट्ठी पर देखिए अभी भी टूट रही है, मतलब हम और मोयन डाल सकते हैं इसमें। तो मैं थोड़ा सा मोयन और मिला देती हूँ। अब मैं इसे मिक्स करके देखती हूँ। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें पानी मिलाकर इसे गूंद लेती हूँ।
अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर गूंथते जाऊंगी। हमें हार्ड ही इसका डो बनाना है, बहुत नरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो समोसे नरम नरम बनेंगे। जैसा हम पूड़ी के लिए लेते हैं हमें उतना टाइट रखना है। हमारा डो बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे रेस्ट के लिए ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए अब 10 मिनट से 15 मिनट के करीब हो गया है, अब इसमें ऐसे बबल्स बबल्स जैसे आ गए हैं, मतलब ये बिल्कुल रेडी है अब समोसे बनने के लिए। अब मैं इसे एक बार और अच्छे से मिक्स करूँगी, तो ऐसे ये हो गया है मिक्स। अब हम मैं इसके गोले बना लूँगी, लगभग इस साइज़ के, एक साइज़ के ही। इस तरह से अब एक चौकी पर इसे रखकर मैं ओवल शेप का बेलूंगी। इसे बेलने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये मैदा है तो ये खिंच के वापस छोटा होने लगता है, तो इस तरह से। अब मैं इसे बीच से कट करेंगे, हमें एक लोई से दो समोसे रेडी करना है। अब मैं इसे इस तरह से कोन के शेप में लूँगी। आप चाहें तो इसमें हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं, यहाँ इस तरह से इसे अच्छी तरह से दबा लेना है। ये जो जोड़ वाला साइड है ये हमारे सामने आना चाहिए बिल्कुल। अब मैं इसमें जो हमारा स्टफ़ है केले और आलू वाला ये फिल करूँगी इस तरह से, ये स्टफ़ डालूँगी। अब मैं इसे यहाँ से ऐसे फोल्ड करूँगी इस तरह से, ये अब इसे अच्छे से चिपका लूँगी। अब समोसे हमें इस तरह से खड़े रखने हैं, जब समोसा इस तरह से खड़ा होगा तभी वो मार्केट जैसा बनेगा और बहुत ही अच्छा दिखेगा। इस तरह से मैं इसे भी रेडी करती हूँ, एक बार और दिखाती हूँ। आप इसमें इस तरह से पानी लगा सकते हैं, फिर इसे ये जॉइंट या ये नोक को अच्छे से दबा देंगे हम कॉर्नर को, और फिर इसे इस तरह से प्रेस करेंगे। अब ये आया सामने जोड़ वाला पार्ट, इसमें डाला हमने केले वाला स्टफ़, और यहाँ इस तरह से उंगली से दबाया और ये प्रेस किया, ये बन गए हमारे। इस तरह से मैं बाकी भी बना लेती हूँ। देखिए समोसे मैंने भर के रख लिए हैं, अब ये तलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तेल मैंने गरम कर लिया, अब हम इसे तलते हैं। अब मैं इसमें, अभी मैंने फ्लेम बिल्कुल हाई पे रखी हुई है, मैं इसे बाद में धीमा करूंगी थोड़ा। ओके, थोड़ा सा मैंने खींच के उठाया तो खुल गया था, नीचे थोड़ा आप आटा भी लगा के रख दें तो ये चिपकेंगे नहीं। अब मैं आँच स्लो कर दे रही हूँ। अब हम इन्हें धीमी आंच पे तलने देंगे, थोड़ी देर धीमी आंच, फिर बीच में मीडियम आंच कर देंगे। इस तरह आंच थोड़ी चेंज करते रहेंगे हम। अब मैं आंच
मीडियम कर देती हूँ। समोसे अब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। मैंने अब बाकी समोसे तो निकाल लिए हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से अच्छे ब्राउन होने तक इन्हें तल लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब समोसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसे चटनी के साथ और हरी तली हुई हरी मिर्च के साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।